डिस्प ना, डिस्प एक चैनल आता है पंजाब का चैनल है वो PTV, देखा कितने गाने वाने आते हैं पंजाबी गाने उसमें, PTV है एक। तो PTV है ये, और एक न्यूज चैनल भी है इसे पंजाब टेलीविजन होता है, और एक PTV पाकिस्तान में भी चलता है, वो न्यूज चैनल होता है PTV। तो फिलहाल PTV से याद रखना है तुम्हें, काम की बात सुना। और PTV जो होता है ना, ये ट्रायंगल होता है, ठीक है जी। ये जो ना, ये इधर ये वायल का नियम होता है इधर, अरे ये वायल का नियम होता है, ये चार्ल्स का नियम होता है, और ये गैलो साक का नियम होता है। ट्रिक ये सब जो है ना, ये सब अनुक्रमानुपाती है। वायल का नियम व्युत्क्रमानुपाती बोला जाएगा बस, क्योंकि वायल का नियम व्युत्क्रमानुपाती रहता है। अब ये क्या है कि ये इसमें संबंध बता रहे हैं, इन दोनों में संबंध बता रहा है, किसी को किसी में भी कर दो। अब वायल का नियम पी और बी में संबंध बताएगा, तो जब दो भौतिक राशि में संबंध बताएगा ना, तो तीसरी उस टाइम पर नियत बोली जाएगी, नियत शुरू में बोली जाएगी। तो अब हमें वायल का नियम बताना है, वायल का नियम बताना है, तो हम शुरू यहाँ से करेंगे कि नियत ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हो गया नियम, ठीक है जी। नियत ताप पर किसी गैस का दाब, यहाँ से बोल दो या मैंने शायद यहाँ से लिखवाया होगा, नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब गैस कितनी होनी चाहिए, गैस कितनी होनी चाहिए, अब यहाँ से सुनो ना, कभी 5 लो कभी 10 लो, गैस तो निश्चित रहनी चाहिए। तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, क्योंकि यहाँ से नहीं है कि तुमने 5 ग्राम ले ली, उसने 20 ग्राम ले ली, उसने सबने अलग अलग ले लिया, ऐसा नहीं है। गैस का आयतन तो है, लेकिन गैस की भी निश्चित मात्रा होनी चाहिए, यानी कि इस पर भी 5 ग्राम है, तो इस पर भी सब पर 5 ग्राम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम देख लो, शुरू कहाँ से करेंगे, जो चीज़ छूट रही है। नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सिर्फ ये व्युत्क्रमानुपाती है, याद रखना, ये व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी ये भी अनुक्रमानुपाती है और ये भी अनुक्रमानुपाती है। अब तुम्हें बोलना है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम हो गया, यहाँ आ जाओ गैलो साक के नियम में, नियत क्या रहेगा, आयतन, नियत आयतन पर किसी गैस का दाब। अब निश्चित मात्रा की जरूरत नहीं, क्योंकि मात्रा तो सिर्फ आयतन होती है, दाब मात्रा नहीं होता है। तो नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। 3 नियम एक त्रिभुज से याद हो रहे हैं, और वो त्रिभुज है PTV, याद कर लो और इसमें लिखेंगे चीज़ों को। ट्रिक पे लेकर आओ, ट्रिक पे, साइंस जो होती है ना वो हलवा हो जाती है, हलवा भी और खाने में कड़ा लगेगा, ये तो उससे भी आसान हो जाती है। खेल करने लगते हो, खेल जब तुम्हें चीज़ें समझनी आ जाए, आज नहीं ना समझनी चालू हो जाते हो, तो रटना ख़त्म करो, जब समझने चालू कर देते हो ना, तो ये चीज़ें फिर तुम्हें मजाक लगती हैं। अब तुमने अगर जो PTV वाला फॉर्मूला याद रख लिया ना, तो अब तुम बुढ़ापे तक भी नहीं भूलोगे,